मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज चारों ओर अत्याचार और जुर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ हर आदमी उदास व बेचैन है। यह सब हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपनी चेतना को जगाएं, कर्म के कानून को अच्छी तरह समझे। जो कुछ दूसरों के साथ करते हैं वही वापस लौट कर हमारे पास आता है। यह जिंदगी का नियम है। आपकी बुराई, अत्याचार और क्रूरता एक दिन आपके पास वापस ही लौट आएगी। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र का उदाहरण है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण जी पांडवों, कौरवों और अन्य लोगों के सामने बोले, अब मेरा द्वारिका वापस लौटने का समय आ गया है, परंतु जाने से पहले क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? तब धृतराष्ट्र ने पूछा, कृपया मुझे बताइए कि मैंने सदा ही सबसे अच्छा व्यवहार किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर क्यों मैं दृष्टिहीन हूं और मेरे 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जब तुम ध्यान द्वारा अपने अंतर में उतरोगे तो तुम्हें इसका उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। धृतराष्ट्र ने ध्यान लगाकर अपनी सूक्ष्म चेतना में प्रवेश किया। हमारी सूक्ष्म चेतना में हमारे पिछले कई जन्मों का लेखा जोखा रहता है। धृतराष्ट्र ने देखा कि पिछले जन्म में वह एक दुष्ट राजा था। एक दिन जब वह झील के किनारे टहल रहा था तो उसने झील में एक राजहंस को अपने 100 नन्हे हंसों के साथ देखा। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इस राजहंस की सुंदर आंखें निकाल लो और इसके सब बच्चों को भी मार डालो। अब राजा धृतराष्ट्र को अपनी वेदना का उत्तर मिल चुका था। कर्म की गति न्यारी, संतों कर्म की गति न्यारी। बड़े बड़े नयन
मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक समय था जब भारत का हर एक नागरिक इस सत्य को जानता था और अपने जीवन में कोई भी कर्म करता तो बड़ी सावधानी से करता था। आज हम इस कर्म के नियम को भुलाकर भटक गए हैं, इसे फिर से अपने जीवन में उतारना होगा। ऐसा करने से मुझे लगता है कि हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन एक पाठशाला है। हम यहाँ हर पल कुछ न कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ जानने के लिए, ताकि हमारी समझने की शक्ति का विकास हो, हमारी बुद्धि का विकास हो। हर मनुष्य एक अमर आत्मा है। हम कभी नहीं मरते, हमारा शरीर मर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यह शरीर आत्मा का एक वस्त्र मात्र है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा अजर है, अमर है, जिसे अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकता, पानी नहीं डुबो सकता और हवा नहीं सुखा सकती। हम बार बार जन्म लेते हैं ताकि हम पूर्णता को प्राप्त कर सके, हमारे मूल स्वरूप को प्राप्त कर ले। रे मन अपना आप पहचान, रे मन अपना आप पहचान, रे मन अपना आप पहचान। सुल्तानी सूरत अब तो जान, सुल्तानी सूरत अब तो जान, रे मन अपना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे नटखट होते हैं, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने टीचर की शिकायत करते हैं, टीचर ने मुझे यह सज़ा दी। बच्चे की नज़र में यह सज़ा है, परंतु उसकी टीचर यह जानती है कि यह सज़ा नहीं, एक तरह का पाठ है जो उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाना अति ज़रूरी है। अगर बच्चे को ठीक करने के लिए सज़ा नहीं मिलेगी तो आगे चलकर वह बिगड़ जाएगा।
इसी तरह कर्म के कानून के अनुसार ही हमें दुख, बीमारी, कष्ट को झेलना पड़ता है। हम जीवन की पाठशाला में छात्र हैं और अनुभव हमारे टीचर हैं। ये अनुभव ही हमें ऊंचा उठाते हैं ताकि हम सजग होकर मुक्त हो सके। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम यहाँ रंग रलियाँ मनाने नहीं आए हैं। हमें यह मानव जन्म मिला है ऊंचा उठने के लिए। हम सबको अलग अलग अनुभवों के दौर से गुजरना है, क्योंकि जो पाठ मुझे सीखना है शायद आपको उसकी ज़रूरत न हो। कर्म का सिद्धांत हमें सजा नहीं देता, हमसे बदला नहीं लेता, यह तो हमें सुधारने की एक स्नेहपूर्ण कला है। ईश्वर तो प्रेम का सागर है, वे हमें पूर्ण बनाने की राह पर चलाने के लिए यह सब लागू करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह बेहतर बने, महान बने, जिंदगी का सच्चा मूल्य जाने। ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसलिए वे कर्म के कानून द्वारा हमें ऐसे माहौल में डालते हैं जहाँ हमारी आत्मा की शक्ति का विकास हो और हमारी चेतना जागे। हम समझते हैं कि हमें दंड मिल रहा है। हाँ, बच्चे की नज़र में यह दंड हो सकता है, किंतु टीचर की नज़र से तो यह अनुशासन ही होगा जो छात्र के विकास के लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब तक हमने कर्म के विषय में काफ़ी चर्चा कर ली है। आइए आज हम देखते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, पहला क्रियामान कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म क्या होता है? क्रियामान कर्म में क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए, आपको प्यास लगी है, आप जाकर ग्लास भरकर पानी पी लेते हैं, तो यह आपके यत्न की तत्काल प्रतिक्रिया है कि आपने पानी पिया और आपकी प्यास बुझ गई, आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया ख़त्म हो गई। जब आपके किसी भी कर्म का तुरंत फल मिल जाता है तो वह क्रियामान कर्म कहलाता है। आपने स्नान किया, शरीर स्वस्थ हुआ, थकान भागी, आपने ताजगी महसूस की, बस बात ख़त्म। इसका भविष्य पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं। क्रियामान कर्म आगे नहीं बढ़ते। दूसरा है संचित कर्म। ये हमारे अतीत के कर्म हैं जिनकी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं होती है। हमारे रोज बरोज के जीवन में हम हजारों कर्म करते हैं, कई शब्द बोलते हैं, कई विचार हमारे दिमाग में आते हैं, कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कई प्रेरणाएं मिलती हैं। ये सब बीज रूप होकर हमारे कर्मों के खेत में पलने लगनी है, लगती है। जैसे हमने रात को कोई दवाई ली, उसका असर सुबह होगा। कई बार दोपहर के बाद दवाई अपना असर दिखाती है। आज अगर हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो उसका परिणाम 2-3 महीनों के बाद ही निकलता है। इस तरह आपने जो परीक्षा दी थी वह आपका संचित कर्म था, जिसका फल कुछ समय बाद निकलता है। वे आपके कर्म के खजाने में संचित होकर संचित कर्म कहलाते हैं। ये संचित कर्म ही हमारे हर जन्म में बढ़ते रहते हैं। कुछ साल पहले 12 वर्ष की एक लड़की मुझे मिली, उसके 6 भाई बहन थे। उसका परिवार एक सुखी परिवार था। लड़की के पिता एक नेक इंसान थे, न वे सिगरेट पीते थे न शराब पीते थे। उन्हें
जितना भी समय मिलता था वे उसे अपने परिवार के साथ बिताते थे। उनकी नौकरी थी जिसे वे पूरी ईमानदारी से करते थे। खाली समय में वे अपने बच्चों को परमात्मा की और संतों की बातें बताते थे। महाभारत, रामायण तथा पुराणों से सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते थे ताकि बच्चों पर सुंदर आदर्शों के बीज पड़ सके और वे अच्छे नागरिक बन सके। एक रात उन्हें छाती में दर्द महसूस हुआ। जब तक डॉक्टर पहुंचता वे संसार से चल बसे। उस छोटी बालिका ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे पिता बार बार हमसे कहते थे भगवान जो कुछ करते हैं उसमें हमारा भला होता है, उनकी हर करनी में दया है, इसलिए हमें कभी भी भगवान की करनी पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। हमें ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान ये तूने क्या किया, क्योंकि अब उसके पिता का देहांत हो गया, उनके सहारे ही सारा परिवार चलता था, इसलिए उस बालिका पर पिता के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसने मुझसे कहा, भगवान ने क्यों मेरे पिता को हमसे छीन लिया, वे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या भगवान न्याय करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी कल्पना से परे कई जन्मों के पहले के कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं और इन संचित कर्मों का एक अंश हमारे प्रारब्ध कर्मों का निर्माण करते हैं। इन्हीं कर्मों से हमारी किस्मत, हमारा भाग्य बनता है। कल के संचित कर्मों ने ही आज के भाग्य का निर्माण किया है और आज के कर्म आपके कल को संवारेंगे, इसलिए आप स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। अब अगर आपके साथ कुछ अशुभ हो रहा है तो उसके लिए ईश्वर को दोषी ठहराना क्या उचित है? उसका इसमें कोई हाथ नहीं होता। आज हम देख रहे हैं चारों ओर हिंसा हो रही है, कत्ले आम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। कई लोग यह सब देखकर मुझसे पूछते हैं, भगवान कहाँ है? क्या वह इन अत्याचारों को नहीं देख रहा है? क्या वह सो रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, कर्म के सिद्धांत के अनुसार इन सभी लोगों ने कभी अतीत में ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल उन्हें आज इस रूप में मिल रहा है। भगवान का तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे किए हुए कर्म हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है, ना ना, कर्म हमें कोई दंड नहीं देते, हमसे कोई बदला नहीं लेते। अगर कोई मेरी बेरहमी से हत्या कर देता है तो यह कोई सजा नहीं है। इस अनुभव से गुजरना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं महसूस कर सकूं कि इसमें कितनी पीड़ा है। मैंने कभी पिछले जन्म में ज़रूर किसी की जान ली होगी, मेरी अंतरात्मा में इसका कोई पछतावा भी नहीं होगा। कर्म का कानून हमें सुधारने के लिए है। और तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म बढ़ते ही रहते हैं, इन कर्मों का एक अंश ही प्रारब्ध कर्म बन जाता है। प्रारब्ध कर्म ही निश्चित करते हैं कि किस प्रकार के परिवार में हमारा जन्म होगा, रिश्तेदार कौन होंगे, कौन से बच्चे होंगे, कौन से पत्नियां पति होगा, कौन सी योनि होगी, कौन सी जाति, कौन सा वंश, कैसा वातावरण, कैसी नौकरी, कितना धन मिलेगा। संचित कर्म समय आने पर अवश्य ही फलित होते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने 1,00,000 रुपए उधार लिए थे, आज आप उससे वापस मांग रहे हैं,
तो वह कहता है, इस वक्त तो मेरे पास लौटाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। आप कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट उसके घर डिक्री भेजता है, परंतु उसके पास 1,00,000 रुपया नहीं निकलता। अब उसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट का आदेश खारिज हो गया। नहीं, वह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक वह पैसे नहीं लौटा देता। अब अगर उस बीच में उसकी मृत्यु हो जाए तो शायद वह इस जन्म में उस कर्ज से मुक्त हो जाए, परंतु उसे अगला जन्म लेकर यह कर्ज तो उतारना ही होगा। अब अगर मान लीजिए उसकी अगली योनि एक बैल की है, तो वह आपके यहाँ 1,00,000 रुपए की मजदूरी कर अपना कर्ज उतारेगा। तो जो कुछ आज हम हैं और हमारे साथ हो रहा है, वह हमारा प्रारब्ध है। अगर हम कर्मों के नियम को जान लें तो यह भी समझ जाएंगे कि आज के संचित कर्म कल हमारा प्रारब्ध बनेगा और हमें इन्हें भोगना ही होगा। इन्हें भोगने के लिए हमें इस स्थूल शरीर को धारण करना होगा। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति 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 ही।